अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो और वो भी चटपटे स्नैक्स को छोड़े बिना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी, रोस्टेड पोहा चिड़वा। अगर आप न्यूट्रिशन वाइज देखें तो एक बहुत ही हेल्दी स्नैक है, क्योंकि पीनट से मिलते हैं आपको प्रोटीन्स, पोहा और चना दाल से मिलते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स, साथ ही नारियल और कैश्यू में होते हैं हेल्दी फैट। सो नो मोर कॉम्प्रोमाइज इन टेस्ट और हेल्थ भी भरपूर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलें। चलो बनाते हैं रोस्टेड पोहा चिड़वा। सबसे पहले एक चौड़े पैन में लेंगे 4 कप पोहा। इसको हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। कोशिश करें कि आप पतले वाला पोहा ले, वो अच्छे से रोस्ट हो जाता है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। पोहे को हमें 8 से 10 मिनट सेकना है। इसको हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। ये रोस्ट हो गए हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। गरम होते ही ऐड करेंगे 1/2 कप पीनट्स। ये कच्चे वाली मूंगफली है जो बाजार में आसानी से मिल जाती है, इसको सिंगदाना भी बोलते हैं। गैस को लो पे रखें, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगी और बढ़िया भुन नहीं पाएंगी। जैसे ही चटकने लगे हम ऐड करेंगे रोस्टेड चना दाल। ये भी मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। मूंगफली और चना दाल को हम अच्छे से लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1/4 कप कैश्यू नट्स। काजू को मैंने बीच से 2 हिस्सों में काट लिया है। इसको भी साथ में भून लेंगे। अब हम डालेंगे सूखा नारियल, इसको मैंने लंबा लंबा काटा है। इन सबको 1 मिनट भूनेंगे और फिर डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच राई, जिसको मस्टर्ड सीड भी बोलते हैं। इन सबको अब स्पैचुला से लगातार चलाते रहें ताकि ये हर तरफ से भुन जाए। अब हम डालेंगे इसके अंदर 3 से 4 कटी हुई मिर्च, 15 से 20 फ्रेश कड़ी लीव्स और इनको रोस्ट करेंगे जब तक कड़ी लीव्स थोड़े करारे ना हो जाएं। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1/4 कप किशमिश। इसको हमें आखिर में डालना है ताकि ये काली ना पड़े। और इसके बाद डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक। इनको हम मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट इसके अंदर बहुत अच्छा स्वाद देते हैं। अब हम अपने इस रोस्टेड मिक्सचर को भुने हुए पोहे में डाल लेंगे और इसको पोहे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इनको अब हम हल्के हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि पोहा हमारा काफी करारा हो गया है भुनने के बाद, तो टूटने का डर है। आप देख पाएंगे कि भुनने के बाद हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल करारे हो गए हैं, बिल्कुल वैसी जैसी मार्केट की भुजिया होती है। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर दिया है और हम ऐड करेंगे 1/4 कप पाउडर्ड शुगर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे चिवड़े का रंग काफी अच्छा आता है। अब आखिरी बार इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और आप देखेंगे कि ये कितने कलरफुल और करारी बनी है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाई है। ये खाकर शायद आप बाजार की नमकीन को भूल जाएं। और एक और बात, आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई तेल वाली चीज खा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम तेल में बन जाती है। इसको हम 5 मिनट ठंडा करके सर्व करेंगे। इसका खट्टा मीठा स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच या चाय के साथ मजे से खाएं। रोस्टेड पोहा चिड़वा हमारे बनके तैयार हैं। लेट्स टेस्ट इट। ये बहुत ही टेस्टी और खिले खिले बने हैं। आप जानना चाहते होंगे कितने क्रंची है। लो मैं इसकी आपको आवाज सुनाती हूँ। क्यों बने हैं ना कुरकुरे? ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं, तो इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख लें। ये 2 से 3 हफ्ते तक आराम से चल जाते हैं और इसको आप खाएं और खिलाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है। मेरे चैनल आशिमास किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।